हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल आसाम। और अभी देखिए मार्केट थोड़ा करेक्शन में आया है और बहुत लोगों को ये दिक्कत आ रहा है कि वो लोग डिपॉजिट नहीं कर पा रहा है वोजीरेक्स में। देखिए वोजीरेक्स में जो फंड डिपॉजिट का प्रोसेस है अभी चेंज हो चुका है और अभी अगर आप लोग को फंड डिपॉजिट करना है तब आप लोग को चाहिए मोबीक्विक वॉलेट। और मोबीक्विक वॉलेट देखिए मेड इन एक इंडिया वॉलेट है, ये देख सकते हैं, ये मेड इन इंडिया का एक वॉलेट है। और अगर अभी आप लोग को वोजीरेक्स में डिपॉजिट करना है तो आप लोग को चाहिए मोबीक्विक। देखिए ये एक एप्लीकेशन है जहाँ में आप लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं, जैसे हम लोग फोन पे या गूगल पे में करते हैं या पेटीएम में करते हैं, टोटल फैसिलिटी आप लोग को इसी में मिल जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग फंड डिपॉजिट करने का प्रोसेस देखते हैं। तो इसके लिए देखिए मैं वोजीरेक्स में आता हूँ, उसके बाद देखिए मुझे जाना है फंड में। फंड में जाने के बाद देखिए मैं आप लोग को और एक चीज़ दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम आया था, मुझे भी आया था कि फंड डिपॉजिट फेल हो जाता था। ये देखिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ, यहाँ में देखिए मैंने एक ट्राई किया 22,000 से फेल हो गया, फिर से मैंने 1,000 से ट्राई किया फेल हो गया, ये 1,000 ट्राई किया फेल हो गया, ये देखिए 2,000 ट्राई किया फेल हो गया, उसके बाद फाइनली मैंने कोशिश किया ये 1,000 डिपॉजिट हो गया। और जब मैंने मोबीक्विक को यूज़ किया तभी मेरा ये डिपॉजिट कम्प्लीट हुआ। तो ठीक है, तो उसके लिए देखिए मैं पहले डिपॉजिट में क्लिक करूँगा और अभी आप लोग का सामने मैं डिपॉजिट करूँगा। ओके, और अभी मैं आप लोग का सामने डिपॉजिट करूँगा लगभग 22,000 रुपीज़। ओके, इसमें देखिए थोड़ा वफाड़िंग हो रहा है, तो ये देखिए अभी मुझे जाना होगा देखिए पेमेंट गेटवे में। लेकिन इससे पहले आप लोग को मोबीक्विक का जो वॉलेट है वो इंस्टॉल कर लेना है, आपका मोबाइल नंबर डाल के वहाँ में एक ओटीपी आएगा, उसमें डाल के आप लोग को मतलब एक्टिव कर लेना है। उसके बाद देखिए अभी मैं डालता हूँ 23,000 में डाल देता हूँ, मुझे 23,000 चाहिए अभी। ओके, उसके बाद मैं क्या करूँगा कंटिन्यू में क्लिक करूँगा। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ में ऑप्शन मिलता है नीचे में वॉलेट, यहाँ में देखिए जब हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ में देखिए एक नया से चीज़ मुझे दिखाई दिया है, देखिए 400 रुपीज़ मेरा GST चार्ज कटेगा, मेरा 23,000 से 400 रुपीज़ काट हो जाएगा। क्योंकि अभी नया से ये देखिए क्या क्या लाते रहते हैं वोजीरेक्स वो हम लोग को मालूम नहीं है, ये सब पैसा खाने का एक नया नया नियम निकलते रहता है। तो क्या कर सकते हैं, अभी मजबूर हूँ, अभी लेना ही है क्योंकि मार्केट आप जा सकते हैं अभी। तो उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ में देखिए मोबीक्विक सिलेक्ट है तो मेक पेमेंट में मैं क्लिक करूँगा। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ में एक रिफ्रेश का पेज आएगा। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ में ऑप्शन आएगा आप लोग को नेट बैंकिंग UPI, और मैं अभी जो पेमेंट करने वाला हूँ वो UPI से करने वाला हूँ। यहाँ में देखिए हम लोग को ऑप्शन मिल गया कि मुझे अभी देना पड़ेगा 23,407 रुपीज़, मतलब 407 रुपीज़ जो है ये GST का चार्ज है। ओके, तो अभी कोई बात नहीं, मैं यहाँ में अपना जो UPI का ID है वो मैं यहाँ में डाल देता हूँ। ठीक है, तो मेरा UPI ID है और मैंने यहाँ में देखे मेरा UPI का ID डाल दिया है। उसके बाद मैं कंटिन्यू में क्लिक करूँगा। ओके, कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद देखिए अभी मुझे जाना होगा, मेरा फ़ोनपे का UPI मैंने यहाँ में डाला है तो मुझे जाना होगा फ़ोनपे में। और ये हो गया मेरा फ़ोन पे, आप लोग देख सकते हैं, इसको मैं अनलॉक करता हूँ तो यहाँ में देखिए एक पॉपअप आ गया होगा मेरे हिसाब से, अगर नहीं आया है तो मुझे फिर से इसको ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं, ये देखिए पॉपअप आ चुका है, यानी कि मुझे अभी 23,400 रुपीज़ देना है। तो मैं पे में क्लिक करूँगा, उसके बाद देखिए कौन सा बैंक से मुझे करना है, तो मुझे इस बैंक से करना है, तो सेंड में मैंने क्लिक किया। उसके बाद देखिए यहाँ मैं पासवर्ड अपना डाल देता हूँ। और ये देखिए ये मेरा पेमेंट कंप्लीट हो चुका है, यहाँ में देख सकते हैं, मैं डन कर देता हूँ। अभी मैं जाता हूँ फिर से उसी पेज में जहाँ में मैंने डिपॉजिट किया था, यानी कि वोजीरेक्स का पेज में। यहाँ में देखिए ये प्रोसेसिंग हो चुका है और मेरा डिपॉजिट कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ में देखिए 23,000 रुपीज़ मेरा डिपॉजिट हो चुका है और मेरा बैंक अकाउंट से मुझे नोटिफिकेशन भी आ गया है। और यही प्रोसेस अभी मुझे कंटिन्यू में क्लिक करना है और अभी मुझे जाना होगा बैंक। तो यहाँ में देखिए मेरा 23,000 आ चुका है और ये मैंने लिया है, कुछ इथेरियम मैंने सेल लगा दिया था, कुछ इथेरियम मुझे लेना है इस अकाउंट में, वोजीरेक्स में मेरा 2 अकाउंट है तो इसमें मैं थोड़ा ले लेता हूँ। तो ETH इथेरियम का प्राइस अभी देख लेते हैं, इथेरियम का प्राइस अभी 2,20,000 रुपया है, तो मैं ये टुटेली में इथेरियम ही खरीदूँगा अभी, तो मैं टुटेल कर देता हूँ तो मुझे 0.10 मिलेगा, उसी हिसाब से मैंने डाला है। ओके, तो मैं यहाँ में क्या करता हूँ लिमिट डाल के मैं इसको बाई लगा देता हूँ। ओके, तो यहाँ में बाई लगाने के बाद मुझे देखना होगा हिस्ट्री में कंप्लीट हुआ कि नहीं। और ये देखिए मेरा इथेरियम बाई हो चुका है और अभी मैं बैक जाता हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ, यहाँ में देखिए मेरा इथेरियम आ चुका है, यहाँ में देखिए मेरे पास अभी 0.11 इथेरियम है। ओके,
तो यही है, देखिए प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। जस्ट आप लोग को चाहिए मोबीक्विक का वॉलेट चाहिए, ये देखिए मोबीक्विक का। और मुझे बहुत लोग पूछते हैं आप व्हाट्सएप में रिप्लाई नहीं देते, ये देखिए ये रीज़न है व्हाट्सएप में। अभी हम लोग का कोई कोई डाटा चुरा के किसी किसी एमएनएम लीडर को सेल कर रहा है, बहुत सारा ऐसा हुआ है। मैंने खुद पूछा है वो लोग को हमारा नंबर कहाँ से मिला है, बोलता है कोई हम लोग को एमएलएम डाटा प्रोवाइड किया है, एमएलएम डाटा कंपनी ने प्रोवाइड किया है। ये सब अभी हो रहा है। देखिए बहुत लोगों का नंबर में आप लोग देखिएगा ऑटोमेटिक डेली 50 से 100 व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे ज्वाइन कर दिया जाता है और मुझे पता भी नहीं है कौन है ये ग्रुप में क्या है। और बहुत लोगों का ये हुआ है, तो इसीलिए मैं देखिए कभी कभी व्हाट्सएप में एनी टाइम चेक नहीं करता हूँ। आप लोग टेलीग्राम में मुझे मैसेज कीजिएगा, वहाँ में मैं रिप्लाई दे सकता हूँ। अगर नहीं देता हूँ तो मुझे डायरेक्टली मैसेज कीजिएगा, तब मैं रिप्लाई करूँगा। ओके, तो आज का वीडियो में बस इतना ही था। अभी साथ अभी आप लोग को क्लियर हो गया है कैसे आप लोग को वोजीडेक्स में फंड डिपॉजिट करना है और INR में डिपॉजिट करना है और इंस्टेंट आप लोग डिपॉजिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।